नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास त्रिवेदी और आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरों पर एक नजर। शहर में सोमवार से श्राद्ध पक्षमी की शुरुआत की जा रही है। इस बार श्राद्ध 15 दिन रहेगा, लेकिन 16वें दिन भी श्राद्ध माना जाएगा। रामघाट स्थित तीर्थ पर लोगों ने अपने पितरों की स्मृति में श्राद्ध व आत्मशांति हेतु तर्पण किया। दस दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के अवसर पर गणेश विसर्जन के दौरान देर रात तक झांकियां निकलने का दौर लगातार जारी रहा। इस नज़ारे को देखने के लिए शहर सहित दूर दराज से आए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अनंत चतुर्दशी पर रविवार रात श्री गणेश विसर्जन चल समारोह की झांकियां रात 12 बजे चामुंडा माता चौराहे पर पहुंची। झांकियों की श्रृंखला में राष्ट्रीय झांकी स्वच्छता अभियान पर आधारित थी, जिसमें गंदगी को दायन दिखाया गया। दूसरे हिस्से में महात्मा गांधी व तीसरे हिस्से में गीला सूखा कचरा पृथक रखने की अपील की गई है। इन झांकियों को देखने के लिए शहर सहित आसपास के इलाकों से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। बजरंग दल के संयोजक ने निगम जोनल के अधिकारी पर जला हुआ आयल डाल दिया। इस घटना से नाराज निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निगम गेट पर धरना प्रदर्शन भी किया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन में श्री गणेश विसर्जन की पूजन सामग्री देखकर बजरंग दल कार्यकर्ता भड़क गए। जिला संयोजक अमित चौबे ने निगम के जोनल के अधिकारी अनिल जैन पर जला हुआ आयल डाल दिया। समाज के वरिष्ठ बुजुर्ग वर्गों के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र वशिष्ठ ने ओपन जिम का शुभारंभ किया। कोठी रोड पर प्रशासन द्वारा वॉकिंग जोन क्षेत्र घोषित कर रखा है। इस मार्ग पर सुबह व शाम को प्रतिदिन लोग चहलकदमी करने आते हैं, जिसमें अधिकांश समाज के वरिष्ठ व वृद्ध जन भी शामिल रहते हैं। कोठी रोड पर बाली उद्यान में इनका नेता व निगम प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने वरिष्ठ जनों के व्यायाम हेतु एक ओपन जिम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समस्त वरिष्ठ बुजुर्गों द्वारा इनका नेता राजेंद्र वशिष्ठ का पुष्पमालाओं से सम्मान किया। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के अवसर पर गणेश विसर्जन के दौरान देर रात तक झांकियां निकलने का दौर लगातार जारी रहा। इस नज़ारे को देखने के लिए शहर सहित दूर दराज से आए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अनंत चतुर्दशी पर रविवार रात श्री गणेश विसर्जन चल समारोह की झांकियां रात 12 बजे चामुंडा माता चौराहे पर पहुंची। झांकियों की श्रृंखला में राष्ट्रीय झांकी स्वच्छता अभियान पर आधारित थी, जिसमें गंदगी को दायन दिखाया गया। दूसरे हिस्से में महात्मा गांधी व तीसरे हिस्से में गीला सूखा कचरा पृथक रखने की अपील की गई है। इन झांकियों को देखने के लिए शहर सहित आसपास के इलाकों से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।